Good morning, everybody. You're watching the morning news on CNN News 18. I am Aisha Varma. Our top focus is on the political fight that's taking place between the Prime Minister and the opposition. ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आम आदमी मरे, लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया। इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है, ये फ्री भी नहीं है। A war of words erupted between Prime Minister Modi and opposition leaders after the Prime Minister launched a series of attacks on the opposition over an array of issues such as the Har Ghar Tiranga campaign, freebie politics, and the recent protests by the Congress in black outfits. Now, the Prime Minister blamed the opposition of indulging in anti-India politics and defaming the country and its icons. He also lashed out at the freebies given by various governments to people, saying that they're a burden to the country's economy. Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal countered by saying that taxpayers' money is meant for the people only and not for the waiving of loans for certain individuals. अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए, एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृहमंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी, और अंततो गत्तो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दोरा नहीं। इसीलिए उन्हें सब कुछ अभी काला काला ही दिखाई पड़ रहा है। 5 तारीख को जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ,
जिस दिन धारा 313 हटाई गई थी, विशेषकर एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए आपने काले कपड़े पहनकर जिस प्रकार से आप आए लाए, ये लोकतंत्र और जो आदमी लोगों की मानव जाति की या भारतीयों की एक आस्था है उस पर बहुत बड़ा कुटारघात है। और जिस प्रकार से काला आदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काले जादू, ये सब टोकटे ये करते रहते हैं कांग्रेस से, इससे कुछ नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा जादू जनता का जादू है और जनता का जादू मोदी जी के साथ में है।